कि अभी तक तो जो आपने प्रैक्टिकल एजुकेशन के लेकर इतना प्रमोट किया है वो सबसे बेस्ट चीज थी आपका। और मैं अब एक क्वेश्चन करना चाहूंगा एज अ स्टूडेंट कि आप कब तक और क्या क्या स्टूडेंट को वैल्यू दे सकते हैं, किस किस फील्ड में आप उतर सकते हैं, मैं बस ये जानना चाहूंगा सर। आप भी ये सोचेंगे कि आखिर में क्यों नहीं मेरे टाइम में ऐसा भी कॉलेज था और ये बॉयफ्रेंड मेरा सोना लेकर भेजा। मगर हमारे यहाँ बहुत ही कम पैसों में कंप्यूटर का शिक्षा दिया जाता है और हम लोग को भी साथ साथ फील होता है कि भाई हम लोग भी समाज सेवा के लिए वर्क कर रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं 2000 यहाँ लिखा है, मतलब कि 2000 एडमिशन्स लिया है हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ ADCA डिपार्टमेंट में। सपने मत देखो, सपने कभी पूरे नहीं होते, ऐसा लोग कहा करते थे, लेकिन मैंने सपना देखा, मैंने सपना देखा भारत की शिक्षा व्यवस्था को बदलने का, मैंने सपना देखा भारत की शिक्षा व्यवस्था को प्रैक्टिकल करने का, मैंने सपना देखा कि जिस तरह से पहले लोग नालंदा विश्वविद्यालय में बिहार आया करते थे पढ़ने, वापस से भारत की शिक्षा व्यवस्था को इतना प्रैक्टिकल बनाया जाए, इतना प्रैक्टिकल बनाया जाए ताकि चाइना से लंदन से लोग आए और आकर के भारत जैसे देश में पढ़ाई करें, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में, मैथ में बच्चे जो भी पढ़ाई कर रहे हैं, क्या फायदा A+B का होल स्क्वायर रट करके, क्या फायदा ACDC रट करके। फिजिक्स पढ़ो तो अपने घर में दिखना चाहिए वो चीज, मैथमेटिक्स 4 बास 24 गज अंगुलस प्रमाण पर बैठा सुल्तान बन चुका चौहान, आज से 1000 साल पहले की बात है जब मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान का दोनों आंख फोड़ के ले गया था, लेकिन छत्रपदाई ने स्लो के माध्यम से बताया हाइट कि किस हाइट पे मोहम्मद गौरी बैठा है और ये 4 बास 24 गज अंगुलस प्रमाण पर बैठा सुल्तान बोले चौपाई सुन करके पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी का हाइट कैलकुलेट कर लिया। दोस्तों ये था भारत का शिक्षा व्यवस्था जो कि इस अंग्रेज ने आकर के मट्टी मिला दिया, क्योंकि अंग्रेज को विद्वान नहीं नौकर चाहिए थे, अंग्रेज को गुलाम चाहिए थे, तो उसने देश की शिक्षा व्यवस्था को इतना घटिया किया कि आज इसका नतीजा आपके सामने है कि आज लोग पढ़ाई कर रहे हैं तो नौकर बनने के लिए। मुझे दुख है दोस्त, आपको सुन के बहुत दुख हो रहा होगा क्योंकि आप भी शायद इसलिए पढ़ाई कर रहे हैं कि आपको पढ़ करके अच्छा नौकरी लग जाए, लेकिन दोस्त इस ट्रैप से बाहर निकलिए। अंग्रेज डरा करते थे कि भाई भारत को हम कभी भी गुलाम नहीं बना पाएंगे क्योंकि वहां का लोग बहुत विद्वान है, लेकिन लॉर्ड मैकेले ने ब्रिटिश पार्लियामेंट में चिट्ठी लिखा कि अगर भारत को गुलाम बनाना है तो सबसे पहले इस दुरुस्त शिक्षा व्यवस्था ने देश को, इसके शिक्षा व्यवस्था को ठप करना पड़ेगा मुझे। और दोस्तों ऐसा ही हुआ, हमारे भारत का शिक्षा व्यवस्था ऐसा कर दिया गया कि हम लोग अंग्रेज को, वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करते हैं और अपने ही देश की संस्कृति को, रिवाजों को नफरत करते हैं। खैर ये तो अलग बात हो गई दोस्तों, लेकिन इतना तो एक आदमी में ताकत नहीं है कि कुछ करे, लेकिन हाँ एक चीज पे मैंने मुहिम उठाया वो है प्रैक्टिकल एजुकेशन को लेकर दोस्तों। लेकिन आज इस वीडियो में मैं आपको एक सफल दास्तान, एक सफल प्रयास हमारा रहा उसके बताने के लिए मैं ये वीडियो आपके सामने लेकर के आया हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं 2000 यहाँ लिखा है, मतलब कि 2000 एडमिशन्स लिया है हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ ADCA डिपार्टमेंट में और सिर्फ बुलसाई पटना में। जी हाँ दोस्तों, बुलसाई सीतामढ़ी नहीं, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना नहीं, KYP में नहीं, वी हैव अ लॉस ऑफ सेंटर, सब जगह की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सीतामढ़ी की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ बुलसाई पटना की बात कर रहा हूँ। दोस्तों 15 फरवरी 2022 को बुलसाई पटना का शुरुआत किया गया था, 14 फरवरी 2023 को पहला साल गिरेगा बुलसाई का, लेकिन अभी हमें एक साल भी कंप्लीट नहीं हुए हैं, अभी तो सिर्फ जनवरी 2023 ही चल रहा है दोस्तों। लेकिन ऊपर वाले का कुदरत और करिश्मा तो देखिए कि अभी साल भी नहीं पूरे हैं और मैं आपको ये डेटा बता रहा हूँ, साल का नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ 11 मंथ का बता रहा हूँ, इसमें कोई इंग्लिश का, कोई वेब डिजाइनिंग का, कोई अदर कोर्स का नहीं, सिर्फ और सिर्फ ADCA में हम लोगों ने 2000 पार एडमिशन लिया है। दोस्तों ये पावर है प्रैक्टिकल एजुकेशन का, जिस चीज को हम लोग लेकर आगे बढ़ रहे हैं। और इस वीडियो के माध्यम से आपको दो चीज पे हाईलाइट करना चाहते हैं, सबसे पहला कि भाई जो प्रैक्टिकल एजुकेशन में हम लोगों ने कंप्यूटर में सफलतापूर्वक इस चीज को ADCA कोर्स के माध्यम से पढ़ा करके लोगों को, अधिक से अधिक संख्या में लोगों को जोड़ा है इस मुहिम से और लोग लाइक किए हैं और इस कदर बुलसाई का प्रमोट किए हैं, तो दोस्तों सबसे पहला गुड न्यूज तो आप लोगों के लिए ये है कि ये सिर्फ अब इतना ही तक नहीं रहने वाला है, बहुत जल्द बुलसाई सीतामढ़ी में बुलसाई कॉलेज का नींव रखने जा रहा है और सीतामढ़ी के बच्चों को भी अब बेहतर पढ़ाई लेने के लिए अब सीतामढ़ी से या बिहार से बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है, सीतामढ़ी में ही, हमारे अपने शहर सीतामढ़ी के अंदर में ही दोस्तों एक बुलसाई कॉलेज प्लान करने जा रहे हैं जिसमें BCA, BBA, MCA, MBA और फ्यूचर में BTEC तक के लिए भी आपके अपने बिहार के अंदर में ही आपको बेहतर शिक्षा दी जाएगी। और ये तो था आपको ये पहला खुशखबरी,
और इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों मैं धन्यवाद करना चाहूंगा बुलसाई परिवार के टीम का। देखिए तो ये है हमारी नारायणी सेना, ये है वो अद्भुत सेना, ये है वो ताकतवर सेना, ये है वो ताकतवर टीम जिन्होंने बिहार का सबसे बड़ा कंप्यूटर इंस्टीट्यूट का निर्माण किया। इनकी मेहनत ने, इनके हौसले ने, दोस्तों मैं सलाम करता हूँ इनके हौसलों को और इनके मेहनत को, इनके जुनून को, इनके जज्बा को कि भाई इन्होंने दिन रात एक करके, दोस्तों यही वो टीम है जिन्होंने दिन रात मेहनत करके मात्र 11 महीने के अंदर में ही 2000 एडीसी में एडमिशन लेके प्रूव कर दिया है कि सर सिर्फ आगे तो बढ़िए पीछे हम तो है। और दोस्तों यकीन मानिए जब आपके पास ऐसे होनहार और ऐसे टैलेंटेड टीम होगी तो ऑब्वियसली बात है कि छोटा तो हम लोग नहीं सोचेंगे। और खैर मेरा तो विजन ही है प्रैक्टिकल का, तो आइए मिलते हैं अपने टीम से और जानते हैं कि क्या विचार रखते हैं हमारे टीम के लोग। तो सबसे पहले जो है मैं चाहूंगा बुलसाई पटना के हमारे जो फैकल्टी है सनी सर। हेलो एवरीवन, आई एम सनी सर और कंप्यूटर फैकल्टी ऑफ बुलसाई पटना। बात ऐसा है कि जो बुलसाई हमारी जो बुलसाई कंपनी है, हमारे जो डायरेक्टर सर आदित्य वासु सर है, मेन है कि सर का जो सोच है, सर का जो सपना है प्रैक्टिकल एडुकेशन को लेकर के, जिन चीजों पे सर ने आपसे जिक्र भी किया है, तो इस कॉन्सेप्ट पे बुलसाई की हर एक टीम काम करती है। इसका सबसे बड़ा रीजन है क्योंकि हमारे जो डायरेक्टर सर है आदित्य वासु सर, उनका सपना है कि प्रैक्टिकल एडुकेशन यानी पूरे इंडिया में हम हर जगह अपने बुलसाई को लेकर के जाएं और वहां प्रैक्टिकल एडुकेशन के कॉन्सेप्ट को लेकर के जाएं, क्योंकि हमारे भारत की शिक्षा व्यवस्था में बदलाव हो सके। देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया कि बुलसाई पटना का जो मैं फैकल्टी हूँ, यहाँ पे मेरा डिपार्टमेंट कंप्यूटर का है। सबसे बड़ा टारगेट हम लोगों का ये होता है कि जैसा कि प्रैक्टिकल एडुकेशन से रिलेटेड जो है, सबसे पहली बार जो हम लोगों को ट्रेनिंग मिला है, तो क्लास में हमारा ये फोकस होता है कि हमारे क्लास में जो भी स्टूडेंट है वो सारे के सारे स्टूडेंट का एक एक टॉपिक, एक एक कन्फ्यूजन पूरा का पूरा जो है क्लास में ही क्लियर कर दिया जाए। कोई भी ऐसा उसके मन में सवाल नहीं रह जाए कि उनको बाद में दिक्कत हो, यानी कि पूरे पूरे हम लोग वो कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं कि उनको प्रैक्टिकली समझा करके पूरे पूरे कॉन्सेप्ट को उनके क्लास में ही क्लियर कर दिया जाता है। और इसी कॉन्सेप्ट पे बुलसाई काम कर रही है और सर बहुत अच्छे तरीके से मेहनत, पूरे ईमानदारी और शिद्दत से मेहनत कर रहे हैं। और आपको बता दें अभी का समय जो है 1 बज रहा है और इस समय जो हम लोग वीडियो को शूट कर रहे हैं, बस ये आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए, इस बुलसाई में जितने भी इम्प्लाई काम करते हैं, जितने भी इम्प्लाई है, अभी तो खैर हमारे साथ जो है बुलसाई पटना के इम्प्लाई हर एक लोग जुड़े हुए हैं और यहाँ पे जितने भी मेंबर है, चाहे हमारे जितने भी सेंटर है वहाँ पे भी जितने भी इम्प्लाई है, वहाँ पे हर एक इम्प्लाई का ट्रेनिंग जो है वो सारा सारा डायरेक्टर सर के थ्रू ही हो रखा है। चाहे वो फैकल्टी हो, चाहे वो ऑफिस के लोग हो, लॉट ऑफ थिंग, और वो सारा सारा लोगों को ट्रेनिंग जो है ना डायरेक्टर सर के थ्रू मिला है, क्योंकि सर का जो पैटर्न है वो सारा का सारा पैटर्न प्रैक्टिकल एडुकेशन को लेकर के है। इसीलिए सर का जो है ट्रेनिंग काफी अच्छे तरीके से हर एक लोगों को दिया जाता है। और यहाँ पे हमारे पटना में जो भी स्टूडेंट है, बुलसाई पटना में जो हम लोगों का सेंटर है, मैं आपको बता दूं बिकना पहाड़ी एरिया पटना में, आप जानते होंगे वहां पे जब आप आएंगे तो होटल रिंजिन के जस्ट अपोजिट में एक सुशीला पैलेस है, उसी के फर्स्ट फ्लोर पे हम लोगों का सेंटर है। और मैं आपको बता दूं पटना हो या सीतामढ़ी, हम लोगों का अभी दो दो जगह पे सेंटर है और आगे फर्दर हम लोग प्लान कर रहे हैं आगे के लिए भी। सबसे बड़ी बात यह है कि प्रैक्टिकल एडुकेशन कहने के लिए ही नहीं है, जब आप आएंगे यहाँ पे विजिट करेंगे तो क्योंकि आपको ये चीज देख करके आपके दिल से ये आवाज आएगी, क्योंकि यहाँ पे जो फैसिलिटी दिया जाता है हम लोगों की तरफ से, जो सेवा हम लोगों की तरफ से बुलसाई के स्टूडेंट को प्रोवाइड किया जाता है, इतने कम फी में दिया जाता है, क्योंकि इस चीज को हम लोग बहुत अच्छे तरीके से एक अच्छे वे में डिजाइन किए हुए हैं। बुलसाई के हमारे जितने भी टीम है, जितने भी मेंबर है, बहुत सारे लोग बहुत मेहनत करते हैं बुलसाई के स्टूडेंट के लिए, क्योंकि हम लोगों का बहुत बड़ा टारगेट है, हमारे डायरेक्टर सर का बहुत बड़ा टारगेट है कि एडुकेशन सिस्टम को चेंज किया जाए, प्रैक्टिकल एडुकेशन हर एक लोगों को दिया जाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी हम लोगों का इंस्टीट्यूट चल रहा है और बहुत ही जल्द बुलसाई अब इस मुकाम पे पहुंच चुकी है। आज तो आप देख सकते हैं कि जैसा कि सर ने बताया कि अभी 1 साल भी कंप्लीट नहीं हुआ है और यहां हमारा जो है 2000 स्टूडेंट का एडमिशन कंप्लीट हो रखा है। और 2000 एडमिशन आप सोच सकते हैं कि ऐसे ही नहीं लिया गया होगा, जब तक बच्चे खुश नहीं होंगे, जब तक लोग हमसे संतुष्ट नहीं होंगे, तब तक लोग हमसे जुड़ नहीं सकते हैं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जब आप आएंगे एक बार हमारे सेंटर में विजिट करेंगे तो आपके आपकी सोच को मैं बदल करके रख दूंगा, क्योंकि यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट पे काम किया जाता है। और मैं डेफिनेटली ये बता सकता हूँ कि आप बुलसाई से जुड़ जाएंगे। अगर आप एक स्टूडेंट है तो आप पढ़ने के लिए बुलसाई को चुनेंगे, अगर आपका कोई भी प्रोफेशन है तो आप भी ये सोचेंगे कि काश मेरा भी कंपनी बुलसाई जैसा होता, या फिर मैं काश ऐसा होता कि मैं बुलसाई से जुड़ पाता, और आपका ये दिल कहेगा कि मैं भी बुलसाई से जुड़ जाता हूँ। और इतना ही नहीं, आगे बुलसाई कुछ ऐसा कर रही है कि बुलसाई जो है एक
बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट लेकर के आ रही है, क्योंकि सपना तो बहुत बड़ा है, ठीक है। इसके लिए जो है हम लोग कॉलेज के लिए जो है ना प्लान कर रहे हैं, और वो प्लान पूरा पूरा कंप्लीट हो चुका है, बस इस पे काम किया जा रहा है, और बहुत ही जल्द आपको ये चीज खुशखबरी सुनने को मिलेगी, क्योंकि ये चीज पे बात किया गया है। सीतामढ़ी में सबसे पहले हम लोग जो है ना कॉलेज को जो है ना यानी कि लॉन्च करने जा रहे हैं, जैसे कि बीसीए हो गया, बीबीए हो गया, ये सब स्टार्टअप जो है ना करने जा रहे हैं वहां पे। कॉलेज तो आपने बहुत ज्यादा जगहों पे देखा होगा, हर लोग कहीं ना कहीं कॉलेज किए भी होंगे, लेकिन मैं आपको ये बताता हूं कि आप भी ये सोचेंगे कि आखिर में क्यों नहीं मेरे टाइम में ऐसा भी कॉलेज था, और ये बोलते मेरे समय में क्यों नहीं था। लेकिन आपको इस बात से बहुत ज्यादा खुशी होगी कि चलो भाई कोई बात नहीं, हमने जो किया तो किया, हमको जो नहीं मिल पाया कोई बात नहीं, लेकिन हमारे फ्यूचर के लिए, हमारे बच्चों के लिए आखिर में कोई ऐसा कंपनी आ चुकी है, ऐसा कोई ऐसा संस्था आ चुकी है जो हमारे बच्चों के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे गांव के लिए, हमारे मोहल्ले के लिए, हमारे देश के लिए कुछ अच्छा कर रही है। और बहुत ज्यादा खुश होंगे क्योंकि इस चीज को जब आप देखेंगे। मैं जाते जाते बस एक चीज आप लोगों को कहना चाहूंगा, बोलसाई काम ही ऐसा करती है कि पहचान बन जाए, बोलसाई काम ही ऐसा करती है कि पहचान बन जाए। अगर आप एक स्टूडेंट है या फिर कोई प्रोफेशनल है तो जुड़ जाए बोलसाई से, और चले वो हर कदम की आपका वो कदम निशान बन जाए। अरे जिंदगी तो हर कोई काट लेता है मेरे दोस्त, जिंदगी तो हर कोई काट लेता है मेरे दोस्त, जिंदगी जियो ऐसे कि आप मिसाल बन जाओ। हेलो एवरीवन, मेरा नाम विकास राहुआ, और जैसा कि मैं बोलसाई एडवेंचर के साथ मेरा जो रोल है वो एक रिसेप्शनिस्ट एंड हैंड होल्डिंग सपोर्ट का है। हमारे बूसा एडवेंचर जितने सारे स्टूडेंट हैं वो अपने बूसा के साथ कनेक्ट करते हैं, उसमें जो उनका क्वारीज एंड हेल्प वगैरह होता है तो मैं उसका हैंड होल्डिंग सपोर्ट देता हूँ जब तक वो बूसा के साथ कनेक्ट रहते हैं। साथ साथ सर का जो विजन है प्रैक्टिकल एजुकेशन, उस प्रैक्टिकल से मेरा भी कुछ योगदान रहता है, अपने तरह जितना सा हेल्प हो सके मैं जरूर कर सकूँ, और सर का जो मुहिम चल रहा है उसमें अपना एक योगदान दे सकूँ। हेलो एवरीवन, आई एम राजू आहूजा। ये जो हमारे डायरेक्टर सर है वो काफी इतना ज्यादा एनर्जेटिक है, उनके साथ रहने में लगता है कि भाई एकदम 24,000 का वोल्टेज करंट क्रॉस कर गया, इस टाइप का है। इनके साथ काम करने में पता ही नहीं चलता कब सुबह है, शाम है, मॉर्निंग है, पता ही नहीं चलता। अभी टाइम देखा जाए तो रात्रि के 1 बज रहा है, लेकिन पता नहीं चला, लग रहा है कि अभी जस्ट एकदम फ्रेश होकर सुबह का 10 बज रहा है, इस टाइप से लगता है। तो सर के साथ काम करने में इस हिसाब से लगता है कि भाई जो भी कर रहे हैं लग रहा है कि एकदम कल्याण ही कर रहे हैं, लोगों के समाज सेवा में ही कर रहे हैं। हम अपने आप बहुत लकी समझते हैं जो सर के साथ इतने दिनों से काम कर रहे हैं, और आगे भी सर के साथ हमेशा रहेंगे। लोगों को ये जानकारी है और ये बताया गया है कि जैसे सर का सपना है कि प्रैक्टिकल एजुकेशन पे काम किया जाए, जिस प्रकार से आप लोग देख रहे हैं कि जैसे कंप्यूटर के माध्यम से हम लोग का पूरा प्रयास है, और प्रैक्टिकल मतलब बताया जाता है, प्रैक्टिकल के तौर तरीके से समझाया जाता है बच्चे को, सेम उसी प्रकार से आगे हम लोग का विजन है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, ये सभी सब्जेक्टों को मतलब प्रैक्टिकली मतलब प्रोवाइड किया जाए, और आगे ये बुलसाई स्कूल के द्वारा आप लोगों के सामने पेश किया जाएगा। अभी जैसे बुलसाई कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के द्वारा आपकी ये चीज़ जारी है, और आगे आपको सीतामढ़ी में हम लोग का बुलसाई कॉलेज ओपन मतलब होने वाला अपकमिंग में है, उसके बाद बुलसाई यूनिवर्सिटी, फिर उसके बाद बुलसाई स्कूल के द्वारा आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा। हेलो एवरीवन, दिस साइड नीतराज, आई एम द रिलेशनशिप मैनेजर ऑफ बुलसाई एडवेंचर। जो बुलसाई एडवेंचर के डायरेक्टर सर हैं आदित्य बाबू सर, मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि बचपन से मेरा एक विजन था, एक मेरा एक सपना था कि देश के लिए एक बड़े मिशन के साथ काम कर सकूँ, देश के एक बड़े मिशन के साथ काम कर सकूँ, और आज मुझे ये सौभाग्य मिला कि सर के साथ काम कर रहा हूँ, उस चीज़ों को मैं पूरा कर रहा हूँ। जैसा कि मेरा जो रोल है बुलसाई एडवेंचर के अंदर वो ये है कि जो सर का जो मिशन है, सर की जो मिशन है प्रैक्टिकल एजुकेशन, और विजन की भारत की शिक्षा व्यवस्था को बदलना है, उसमें मैं ये काम कर रहा हूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस तरीके का सोच रखते हैं, तो प्रैक्टिकल एजुकेशन पर काम कर रहे हैं, उनको बुलसाई एडवेंचर के साथ कनेक्ट करना, ताकि हम सारे लोग मिलकर देश के अंदर एजुकेशन सिस्टम के अंदर एक बड़ा क्रांति ला सके। और जैसा कि आप लोग अभी सर बताए भी हैं आपको कि हम लोग जो अभी आज छोटा सा सेलिब्रेशन रखें कि हम लोगों ने पटना का जो बुलसाई एडवेंचर का जो ब्रांच है उस पर हम लोगों ने 2000 एडमिशन पूरा किए हैं, और हम लोगों का कोशिश है कि अगले साल तक ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को हम लोग कंप्यूटर सिखा सके और उनको प्रैक्टिकल एजुकेशन सिखा सके। और अभी हम लोगों ने एक नया मुहिम भी स्टार्ट किया, जैसा कि मैं वीडियो के थ्रू आप लोगों को बताना चाहूँगा कि अगर आपके अंदर कोई भी स्किल, अगर किसी भी सब्जेक्ट के अंदर एक्सपर्टीज है तो प्रैक्टिकल एजुकेशन से जुड़ा हुआ है, आप आइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है बुलसाई एडवेंचर के पास, आप आइए और अपनी प्रतिभा को दिखाइए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को आप सिखाइए। विद इन यूर, थैंक यू सो मच। मेरा नाम मिट्टू कुमार है, मैं बुलसाई एडवेंचर में प्रैक्टिकल लाइफ टीचर हूँ। बुलसाई एडवेंचर जो पिछले 11 साल से प्रैक्टिकल एजुकेशन में बहुत बड़े कार्य कर रही है और आगे भी ऐसे ही करते रहेंगे। जिस तरह हम लोग कंप्यूटर सेक्टर में प्रैक्टिकल एजुकेशन ला रहे हैं, उसी तरह हम लोग हर क्षेत्र में जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ उसमें लाने का कोशिश करेंगे। इसी तरह हम लोग जैसे अभी सीतामढ़ी में हम लोग कॉलेज का बुलसाई कॉलेज खुलने का प्लान बना है, उसी तरह इंडिया का हर जगह बुलसाई के कॉलेज से लेकर स्कूल हर चीज़ मिलेगा आपको प्रैक्टिकल एजुकेशन का जो कार्य करेगा। सो थैंक यू। हेलो एवरीवन, नमस्ते, मेरा नाम रवि कुमार है, मैं बुलसाई इंस्टीट्यूट से काफ़ी दिनों से जुड़ा हुआ हूँ। मैं डायरेक्टर सर के विजन से काफ़ी प्रभावित हूँ। डायरेक्टर सर का विजन है कि इंडिया के शिक्षा व्यवस्था को प्रैक्टिकल एजुकेशन के रूप में लाना, तो मेरा भी सहयोग है सर के साथ, और मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस क्षेत्र में कनेक्ट करूँ।
जैसा कि जानते हैं आप, बिहार में पटना में बहुत सारे कंप्यूटर इंस्टीट्यूट हैं जो बहुत काफ़ी पैसा लेकर बच्चों लोगों को कंप्यूटर का शिक्षा देते हैं, मगर हमारे यहाँ बहुत ही कम पैसों में कंप्यूटर का शिक्षा दिया जाता है, जो कि हमारी व्यवस्था आप देखेंगे तो कहीं से आपको लगेगा नहीं कितने कम पैसे में हम लोग अच्छे शिक्षा, अच्छे फैकल्टी की व्यवस्था कर रहे हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि यह हमारा जो इंस्टीट्यूट है ये भिकना पहाड़ी में है, जो कि एक प्राइम लोकेशन जगह है जहाँ आप इजिली आ सकते हैं और हमारे इंस्टीट्यूट के द्वारा आप कंप्यूटर के क्षेत्र में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सौरभ था। सबसे पहले मैं आदित्य बसु सर को धन्यवाद बोलना चाहूँगा कि उन्होंने इतने कम समय में अपनी टीम के साथ मिल करके 2000 एडमिशन को जो है पार करा है इतनी अच्छी शिक्षा व्यवस्था को देते हुए। मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है यहाँ पे काम कर करके, वर्क कर करके, ये कि सर जो पिछले 11 सालों से जो मुहिम चला रहे हैं पेट्रल एडुकेशन में, शिक्षा व्यवस्था में जो बदलाव कर रहे हैं, इस चीज़ को देखते हुए मैंने वहाँ बुलसाई से जुड़ा था और आज काम करते हुए मुझे 6 साल हो गए और काम करने में बड़ा ही मज़ा आता है। एक तरह का फील आता है कि भाई कि हम समाज सेवा के लिए वर्क कर रहे हैं, जैसा कि हमारे सर कर रहे हैं, और हम लोग को भी साथ साथ फील होता है कि भाई हम लोग भी समाज सेवा के लिए वर्क कर रहे हैं। और सर का जो पेट्रल एडुकेशन का जो मुहिम चल रहा है, इसकी शुरुआत की गई थी सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट से, जहाँ पे जगत जननी माँ जानकी का जन्मभूमि है, वहाँ से इस चीज़ का शुरुआत किया गया था। वहाँ हमारा मदर ब्रांच हो गया और इस चीज़ को एक्सपेंड करते करते अभी हम लोग पटना में हैं। पटना में जो है सुशीला पैलेस बिकना पारी के पास में जो है इंस्टीट्यूट चल रही है और वहाँ भी क्या है कि पेट्रल एडुकेशन देने का कार्य कर रही है। मतलब कंप्यूटर के क्षेत्र में क्या है कि पेट्रल एडुकेशन का शुरुआत किया गया है और सर बहुत ही विजनरी हैं। इनके माइंड में ये चल रहा है कि भाई जिस तरीके से हमने कंप्यूटर में पेट्रल दिया है, ठीक उसी प्रकार से हम हर सब्जेक्ट में दें। क्यों ना हम इंग्लिश में दें, क्यों ना हम संस्कृत में दें, क्यों ना हम मैथ में दें, क्यों ना हम साइंस में दें, मतलब जितने भी सब्जेक्ट हैं हर सब्जेक्ट में क्यों ना दें हम। और ये इस चीज़ की मुहिम जारी है। और जैसा सर ने बताया कि बुलसाई कॉलेज भी जो है बहुत जल्द सीतामढ़ी की धरती पर जो है मिलने को जा रही है, और ये वहाँ के स्टूडेंट के लिए सौभाग्य की बात है कि बुलसाई जैसी कंपनी संस्था जो है वहाँ पे बुलसाई कॉलेज को लेकर के आ रही है, उनके लिए उन्नति की बात है, उनके लिए खुशहाली की बात है। और हम लोगों को भी इस मुहिम में जुड़ करके बहुत ही मजा आ रहा है। और हमारा रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है बुलसाई के अंदर में, जितने भी अकाउंट्स है, जितने भी ब्रांच है बुलसाई के चल रहे हैं, सारे ब्रांच के अकाउंट्स जो है मैं देखता हूँ हमारे अंदर से मैं सारी चीज़, और मैं इस काम को भली भांति बहुत अच्छे से करता हूँ और डायरेक्टर सर को निशंत करके रखता हूँ अकाउंट फाइनेंशियल चीज़ों से। धन्यवाद। हेलो एवरीवन, सचिन सौर्या दिस साइड। एज यू लिसन बिफोर, विनी सर हैज सेड कि वी आर अ रिवोल्यूशनर, मतलब हम लोग क्रांतिकारी हैं। हम लोग प्रैक्टिकल एजुकेशन को कुछ इस हिसाब से पेश किए हैं कि अभी पूरे पटना, पूरे सीतामढ़ी, पूरे बिहार में एक ऐसा रिवोल्यूशन पैदा हो चुका है कि प्रैक्टिकली जो भी चीज़ पॉसिबल होता है हम लोग कैसे डिलीवर करते हैं। बुलसाई एडवेंचर, इसको थोड़ा सा अंडरस्टूड कीजिए कि ये वर्ड है क्या। एक्चुअली में सर ने इस वर्ड का यूज किया क्यों इसमें कोचिंग के नाम में। एडवेंचर मतलब होता है कि वेंचर्स ऑफ एजुकेशन। आप यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोर्स, स्किलफुल कोर्स यू कैन लर्न हियर। ठीक है, हमारे आदित्य बसु सर का विजन यही है कि हम लोग जो है ना प्रैक्टिकली चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के पास डिलीवर करें। तो जैसा कि हम लोगों ने सर से सुना कि सर बता रहे थे एक स्टोरी के माध्यम से कि चंद्रमा दई थे एक ऐसे जो प्रैक्टिकली चीज़ों को इंप्लीमेंट करते थे। उन्होंने मैथ्स के कैलकुलेशन को एक ऐसे रिप्रेजेंट करा पृथ्वीराज चौहान के सामने कि उन्होंने आँख ना होते हुए भी उस हिसाब से कैलकुलेट करके वहाँ पर मोहम्मद गौरी को निशाना साधा। तो ये होता है प्रैक्टिकल एजुकेशन। सर जिस हिसाब से प्रोवाइड करा रहे हैं हम लोगों को प्रैक्टिकली सारी चीज़ों को, यहाँ पर जो है ना जो भी चीज़ आप सीखिएगा एवरीथिंग ऑल अबाउट प्रैक्टिकल। अब सर एक क्वेश्चन करना था आपसे, लाइक बहुत सारे टीचर्स होते हैं कि कोई अगर पढ़ लेते हैं बढ़िया से, कोई टेंथ कर लिया, ट्वेल्थ कर लिया, मतलब जो वेल क्वालिफाइड हो जाते हैं, उनका माइंड में आता है कि चलो मैंने इतना एजुकेशन कंप्लीट कर लिया तो ये इस फील्ड में जाते हैं, टेंथ को पढ़ाते हैं, इलेवंथ को पढ़ाते हैं, ट्वेल्थ को, मतलब कि वो डिग्री के पीछे ही ज़्यादातर मतलब भागते हैं कि स्टूडेंट को उस हिसाब से ले जाते हैं डिग्री। लेकिन आपके माइंड में ये कैसे हिट किया कि लेट्स स्टार्ट अ प्रैक्टिकल एजुकेशन, बुलसाई एडवेंचर का कॉन्सेप्ट जिसमें आपने ना कुछ भी नहीं जिक्र किया, ना आप टेंथ का, ना ट्वेल्थ का, ये सब कुछ नहीं, जस्ट एन एडवेंचर, तो ये थॉट कैसे आया सर, ये हम बस जानना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सचिन, वेरी नाइस क्वेश्चन। देखिए जब मैं बचपन में पढ़ाई करता था तो स्कूल के टाइम की बात है कि मुझे सब कुछ करने में बड़ा मज़ा आता था, जैसे बाइक चलाने में खूब मज़ा आता था, सैंडविच बनाना, मैगी बनाना, कुकिंग्स वगैरह करना में, और बहुत चीज़ों का शौक था, लैपटॉप में गेम खेलना, बिजनेस करना, मतलब बचपन से ही पाँचवीं छठी क्लास से ही पापा के दुकान पे, पापा का मोबाइल का दुकान हुआ करता था और मुझे लैपटॉप वगैरह में डाउनलोडिंग्स वगैरह करना आता था, फॉर्मेटिंग वगैरह करने आता था, बहुत सारा चीज़ कंप्यूटर का आता था। तो आईटी सेक्टर में अच्छा होने की वजह से बचपन से ही इंटरेस्ट था, तो उसको एज ए बिजनेस भी लेके गया उस चीज़ों को। तो भाई बचपन से ही मतलब पाँचवीं छठी क्लास से ही थोड़ा एक्स्ट्राऑर्डिनरी टाइप का कुछ अदर एक्टिविटीज़ को लेके था, लेकिन पढ़ाई में मैं काफ़ी डल था, तो कुछ कुछ चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगता था पढ़ने में। तो बाद में मैंने इस चीज़ के रूट प्रॉब्लम को समझा कि जो चीज़ अच्छा लग रहा है वो टीचर्स के वजह से, जो टीचर चीज़ों को सही ढंग से पढ़ा रहे हैं वो चीज़ पढ़ने में मज़ा आ रहा है, और सेम सब्जेक्ट को, सेम चैप्टर को छोड़िए, सेम टॉपिक तक
अगर वही टॉपिक को कोई दूसरा टीचर पढ़ा दे रहा है जिसका टीचिंग टेक्निक अच्छा नहीं है, फिर वही टॉपिक जो है बोझ लगने लग रहा है, जबकि वही टॉपिक को कोई दूसरे टीचर अच्छी चीज़ें पढ़ा रहे हैं तो पढ़ के मजा आ जा रहा है। तो मुझे लगा कि ये प्रॉब्लम जो है सिर्फ मेरे तक ही नहीं है, ये कॉमन प्रॉब्लम है, इस पर काम करने की जरूरत है। आगे चल के मैं कोटा भी पढ़ाई करने गया तो वहाँ भी देखा मैंने कि स्टूडेंट से लाखों लाख रुपये चार्ज किए जा रहे हैं और लाखों लाख रुपये लेकर के लाखों की संख्या में लोग जुड़ रहे हैं। तो एक अरबों का बड़ा माया जाल चल रहा है, टर्नओवर चल रहा है, जहाँ पे कोचिंग इंस्टीट्यूशन में कोई मतलब नहीं है कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनका पढ़ाई क्या हुआ नहीं हुआ, उनको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, बच्चा पढ़े भाग में जाए उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है, उनको मतलब है बस अपनी फीस से। तो वहाँ जा करके मैंने इन चीज़ों को ऑब्जर्व किया और मुझे लगा कि नहीं, इस चीज़ पर काम करने की ज़रूरत है। देश में अभी भी एजुकेशन सिस्टम के अंदर बहुत करप्शन है और मुझे लगा कि कहीं ना कहीं से मैं सारे टीचर्स के पढ़ाने का अंदाज को याद किया कि भाई जो टीचर्स मुझे पढ़ने में मज़ा आता था, कि क्या था वो चीज़ जिनसे पढ़ने में मज़ा आता था, तो लगता था कि वो टीचर लोग जो पढ़ाते थे जिनके पढ़ाई को पढ़ के मज़ा आता था तो वो कहीं ना कहीं चीज़ों को कनेक्ट करके पढ़ाते थे, हमारे रियल लाइफ के एग्जाम्पल से चीज़ों को कनेक्ट कर देते थे और वो जो पढ़ाई होता था वो उससे कुछ सीख मिलता था, कुछ सबक मिलता था और उन चीज़ों को अपने ज़िंदगी में हम लोग उतार करके और भी चीज़ कुछ नया कर पाते थे। तो मुझे वहीं से प्रैक्टिकल एजुकेशन का कॉन्सेप्ट आया कि नहीं भाई, सोसाइटी में इस चीज़ की ज़रूरत है। और काफ़ी इंटरेस्ट होने के बावजूद भी बहुत चीज़ों में टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट था, कंप्यूटर्स में इंटरेस्ट था, कुकिंग में इंटरेस्ट था, बहुत चीज़ों में इंटरेस्ट होने की वजह भी लेकिन लगा कि नहीं, सोसाइटी में एक ऐसा चीज़ है जिस पर काम करने की ज़रूरत है और जो मैं सोच रहा हूँ उस समय ऐसा कोई सोच नहीं रहा था। अभी तो खैर बहुत सारे टीचर्स आ गए हैं लाइक अलक पांडे खान सर, जो लोग इस कॉन्सेप्ट को बहुत बेहतर कर रहे हैं, मैं अप्रिसिएट करूँगा। लेकिन आप मेरा यूट्यूब पे थोड़ा पुराना वीडियो देखेंगे, 2019 के अंदर मैंने एक वीडियो बनाया था बदली की भारत की शिक्षा व्यवस्था, तो मैंने आज से 4-5 साल पहले ही जो इस चीज़ की चर्चा की थी कि चीज़ों को पढ़ाई को कैसे प्रैक्टिकल बनाया जाए और हमारी कंपनी बुलसाई 2011 से पिछले 12 सालों से हम लोग इसी कॉन्सेप्ट पे वर्क कर रहे हैं और इसी का नतीजा है कि हम लोग अभी फिलहाल कंप्यूटर के मामले में हैं तो वी आर द बिगेस्ट कंप्यूटर इंस्टीट्यूट ऑफ बिहार। और मैं आप सभी को आश्वस्त करता हूँ, जो भी स्टूडेंट हैं या जो भी पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनको आश्वस्त करता हूँ कि हमारा जीवन का विजन यही है। आप देख सकते हैं रात का 2 बज रहा है और एक बार थोड़ा कैमरा इधर घुमाइए, देखिए एक बार रात के 2 बजे जो है आप हमारे टीम के मेंबर को देख सकते हैं, किसी के चेहरे पर थकान नहीं है, सभी के चेहरे पर एक प्यारा सा स्माइल है और सभी लोग रेडी हैं। तो दोस्तों ये एक लिटरेट टीम है, पढ़ी लिखी टीम है, हाई स्किल मैन पावर है और फुल व्हील पावर के साथ है। तो दोस्तों जब ये हाई स्किल और हाई व्हील का जो कॉम्बिनेशन बनता है तो उसके साथ हम लोग का जो ड्रीम है कि भाई इंडियन एजुकेशन सिस्टम को और प्रैक्टिकल किया जाए, और कहीं ना कहीं से हमारे साथ इस ड्रीम के अंदर में हम अकेले नहीं हैं, हमारे साथ और भी हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो लोगों ने मेडिकल नीट क्वालिफाई किया है, जो लोगों ने आईटी क्वालिफाई किया है, जो लोग साइंटिस्ट हैं इसरो के अंदर में, एक बड़ा ह्यूज फ्रेंड सर्कल है, टीम है और कहीं ना कहीं से बहुत सारे लोगों का समर्थन है, सहयोग है, जो हम लोग इतना बड़ा सोच पाते हैं कि देश की शिक्षा व्यवस्था में कुछ बदलाव करेंगे। वाह, सो इंस्पायरिंग सर, दैट्स व्हाई वी हैव कम। तो आप लोगों ने देखा कि सर ने अपना पूरा जर्नी सिर्फ 2 मिनट में कितने बढ़िया तरीके से शेयर किया और क्यों उन्होंने बुलसे एडवेंचर को जो है लॉन्च किया और यह प्रसारित किया। इसी विजन को देखते हुए हम आपको यह कहानी सुनाने का मतलब ये था कि मैं सर के साथ क्यों कनेक्ट हुआ, दिस वॉज द रीजन। हम भी सर के साथ यही कनेक्ट कर पाए थे अपने को जब यहाँ पर प्रेजेंट हुए थे। वी आर अ रिवोल्यूशन टीम, यू कैन से, जैसे कि हम लोग जो भी चीज़ें प्रेजेंट करते हैं, हमारा यहाँ पर रोल क्या है, हमारा रोल यही है, कोई भी स्टूडेंट आते हैं उनको समझना है, उनको जानना है कि बुलसे क्या है, हम लोग वो होते हैं जो उनको पूरा बढ़िया से वहाँ प्रेजेंट करते हैं उनके सामने, ताकि वो बेस्ट वे से कनेक्ट कर सके बुलसे के साथ और अपना जो है ना प्रैक्टिकल एजुकेशन के लेकर ज़्यादा वो अपना मोटिव ये रख सकते हैं। और कंग्रेचुलेशन यू सर, हम लोगों ने एक ऐसा माइलस्टोन अचीव किया है, सिर्फ 11 महीनों में हम लोगों ने 2000 प्लस एडमिशन को क्रैक किया, दैट्स व्हाई ये सेलिब्रेशन रखी गई है। तो लास्ट क्वेश्चन ये रहेगा सर मेरा आपसे कि अभी तक तो जो आपने प्रैक्टिकल एजुकेशन के लेकर इतना प्रमोट किया है वो सबसे बेस्ट चीज़ थी आपका, और मैं अब एक क्वेश्चन करना चाहूँगा एज अ स्टूडेंट्स कि आप कब तक और क्या क्या स्टूडेंट को वैल्यू दे सकते हैं, किस किस फील्ड में आप उतर सकते हैं, मैं बस ये जानना चाहूँगा सर आपसे। देखिए आपने पूछा कब तक, तो ऑलरेडी मैंने अपना पूरा जीवन इसी को दे चुका है, मैंने बहुत कम एज से इस चीज में मैं स्टार्ट कर दिया था और मेरा आगे का प्लान यही है कि जिस तरह से हम लोगों ने सीतामढ़ी जैसे छोटे डिस्ट्रिक्ट से शुरू करके पटना जैसे बिहार जैसे जगह पे कंप्यूटर एजुकेशन को एक नया दिशा दिया, बच्चों को एक अच्छा सेवा दिया, बच्चों को अच्छा कंप्यूटर पढ़ने का मौका मिला, तो मेरा यही है कि ओवरऑल सिर्फ कंप्यूटर ही नहीं है, फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है, बायोलॉजी भी है, मैथमेटिक्स भी है, संस्कृत भी है, इंग्लिश भी है, बहुत सारे ढेर सारे सब्जेक्ट होते हैं और नो डाउट हर एक सब्जेक्ट का अपना एक इंपॉर्टेंस होता है। तो मेरा आगे का विज़न यही है कि बेहतर से बेहतर स्कूल बना करके, बेहतर से बेहतर कॉलेज बना करके चीज़ों को सही दिशा में लेके आएँ और बुलसाई स्कूल खोलें, बुलसाई कॉलेज बनाएँ और न सिर्फ बिहार बल्कि पूरे इंडिया के एजुकेशन सिस्टम को
जहाँ तक हो सके प्रैक्टिकल बनाना है और चीज़ों को आगे लेके आना है। और इसका सबसे अच्छा सोल्यूशन होगा कि भाई प्रैक्टिकली पढ़ाया जाए, क्लासरूम जैसे क्लासरूम होते हैं स्कूल्स वगैरह के, उसी तरह से क्लासरूम से बड़े बड़े लेबोरेटरीज बनाए जाएँ और लेबोरेटरीज को डील करने के लिए डॉक्टर्स इंजीनियर साइंटिस्ट रैंक के लोग रहे स्कूल के अंदर में, जो कि बच्चों को थोड़ा अप्रोचेबल बनाए कि वो सोच सके चीज़ों को, एक्सपेरिमेंट करके खुद से देख सके चीज़ों को, और ताकि बच्चा जो चीज़ पढ़ रहा है वो सिर्फ बुक में ना रहे, वो चीज़ उसको समझ में आए। तो आगे का विजन बहुत साफ है प्रैक्टिकल एजुकेशन को लेकर के, कि इसको जो है हम लोग चाहते हैं कि हर एक सब्जेक्ट में ला करके स्कूल कॉलेज के माध्यम से इस चीज़ को बच्चे को, मतलब ताकि हमारे जो स्कूल का बच्चा होगा वो अपने आप में एक फैक्ट्री होगा, वो अपने आप में एक इतना हाई रिसोर्स होगा कि वो एक तरह का साइंटिस्ट टाइप का बच्चा होगा, जिन्होंने टॉपिक को ना सिर्फ रटा होगा बल्कि एक एक चीज़ को, एक एक टॉपिक को, कॉन्सेप्ट को समझा होगा, अनुभव किया होगा, और उसको वो सक्षम है कि वो उन चीज़ों को जीवन में कहीं ना कहीं इंप्लीमेंट कर सके। तो डेट्स मेरी अल्टीमेट विजन कि भारत को जो है वापस से सोने की चिड़िया बनने में अगर कुछ अच्छा लगता है हमें पांच की चीज़ों को देख करके, तो सबसे बड़ी चीज़ यही हो सकती है कि वापस से जैसे लोग विदेशों से पढ़ने आया करते थे भारत, तो इंडिया में वो पोटेंशियल है एंड वी कैन डू इट, नो डाउट डेफिनेटली। आप देख भी सकते हैं कि हम लोग इस चीज़ को कर भी रहे हैं, आप देख सकते हैं कि रात का इतना टाइम है और लोग जो है पूरी तरह से इसमें जो है जुड़े हुए हैं चीज़ों पर। मुझे लगता है कि जिस तरह से हम लोग इस चीज़ों को अभी तक लेकर के आए हैं और जिस रफ्तार में, मतलब जैसा कि ये वीडियो का थीम था ओनली इन 11 में हम लोग 2000 स्टूडेंट्स को क्रॉस किया, तो दोस्तों ये तो सिर्फ शुरुआत है, नेक्स्ट क्या होगा 5000 10000 हम लोग बोल नहीं सकते हैं, लेकिन जिस रफ्तार से हम लोग अब ग्रोथ कर रहे हैं दोस्तों, ये दिन अब दूर नहीं है कि बुलसाई जो है अब पूरे बिहार में ही नहीं बल्कि पूरे भारत में भी बेहतर से बेहतर दे पाएगा, और सिर्फ कंप्यूटर ही नहीं बल्कि स्कूल और कॉलेज के माध्यम से हर एक क्षेत्र को हम लोग कवर करेंगे। जय हिंद, जय भारत, और इसी के साथ जो है इस समारोह को हम लोग आगे बढ़ाते हैं।